क्रिस्पी और एकदम टेस्टी फ्रेंच फ्राइज आप जरूर ट्राई करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन मोतियानी, सिंधी जोमेटो किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे फ्रेंच फ्राइज, बाहर जैसे मिलते हैं ना एकदम करारी और क्रिस्पी, सेम आज वैसे ही बनाएंगे। तो चलिए हम हमारी फ्रेंच फ्राइज बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए आज हमने लाल आलू लिए, तो अभी हम इसके जो छिलके हैं वो उतार लेते हैं। चलिए, देखिए अभी हमने जो हमारे आलू थे उसमें से छिलके निकाल दिए, अभी हम इसको शेप में काटेंगे। देखिए अभी हमने हमारे जो आलू थे उसको फ्रेंच फ्राइज के शेप में काट लिया है। अभी हम एक बाउल लेंगे। देखिए ये बाउल में हमने पानी डाल दिया है। अभी हम इसके अंदर जो हमारे जो आलू है उसको वॉश कर लेंगे। देखिए अभी हमारे जो आलू है उसको हमको पानी से बाहर निकालना है। तो देखिए हमने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हमारा एक कपड़ा रख दिया है और इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर स्प्रेड करके अच्छे से रख देंगे हमारी जो आलू है उसको। देखिए हमने हमारे जो आलू थे उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। ऊपर से एक और नैपकिन रखेंगे हम लोग और हमारे जो आलू है उसके अंदर जो एक्सेस वाटर होगा वो इस तरह से निकल जाएगा पूरा। देखिए अभी हमारे जो आलू थे उसमें से जो पानी था वो भी निकल चुका है। अभी हम इसको वापस से एक बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए अभी हम हमारे आलूओं को क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 2 चम्मच हम लोग कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से घुमा लेंगे जैसे हमारे जो आलूओं के साथ चिपक जाए हमारे कॉर्नफ्लावर्स। देखिए अभी हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला था उसको अच्छे से रब कर दिया हमारे आलू के साथ। अभी हम इसको फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज होने देंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुकी थी, हमने फ्रीजर में से निकाल दिया हमारे आलू को। अभी हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमने साइड में जो तेल था उसको ऑलरेडी गर्म करके रखा था, अभी हम जो हमारी फ्राइज है वो डालते जाएंगे। देखिए अभी जो हमने हमारे जो आलूओं को 1 मिनट के लिए फास्ट आंच पे फ्राई कर लिया है, अभी हम हमारे जो आलू है उसको साइड में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखने देंगे। हम लोग इसको फिर वापस से सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे जैसे ये और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। देखिए हमारे जो फ्रेंच फ्राइज थे उसको हमने 1 टाइम फ्राई कर लिया है, अभी हम इसको 2nd टाइम फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमने हमारे फ्रेंच फ्राइज को 2nd टाइम फ्राई कर दिया है। देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी भी हो गए। तो चलिए अभी हमारे जो फ्रेंच फ्राइज है उसको सर्व करते हैं हम लोग। देखिए हमने हमारी जो फ्रेंच फ्राइज थी उसको सर्व कर दिया। ऊपर सीजनिंग के लिए हम लोग नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम लोग लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम लोग इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। देखिए हमने हमारी फ्रेंच फ्राइज के लिए डिप्स रखी है। देखिए हमने मेयोनीज और जो टोमेटो केचप है उसकी डिप रखी है। तो एक बार आप ये क्रिस्पी और एकदम टेस्टी फ्रेंच फ्राइज आप जरूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।